नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा फ्रंट गार्डन देखा और छत पर लगी हुई सब्जियां भी देखी, तो जितने भी फ्रंट गार्डन में मैंने फूल के पौधे सब लगाए हुए हैं, तो अभी तो सब ठंडी के दिनों में डोरमेंसी पीरियड में थे। अब फरवरी का महीना आ गया है तो सबकी ग्रोथ अब चालू हो जाएगी। तो ग्रोथ अच्छे से हो उसके लिए मैं एक फ्री का फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ। देखिए, ये है गोहरा, इसे कहीं कहीं गोहरा, कंडा, उपला भी इसे बोला जाता है, और यूपी में हमारे यहाँ इसे गोहरा बोलते हैं। तो इसी गोहरे का मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, क्योंकि काउडंग कंपोस्ट, मैं गांव में तो रहती हूँ लेकिन मुझे काउडंग कंपोस्ट नहीं मिल पाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि काउडंग कंपोस्ट की जो ज़रूरत होती है वह मैं इस गोहरे का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधों में दे देती हूँ, जिससे कि काउडंग कंपोस्ट की जो आवश्यकता हो वो पूरी हो जाए पौधे की। तो इस तरह से आपके घर पर भी यदि गोहरा, कंडा या उपला जो भी आप बोलते हों तो वो हो, तो उससे आप भी जो है कि काउडंग कंपोस्ट की कमी को पूरा कर सकते हैं इस लिक्विड मैन्योर को बना करके अपने पौधों में दे करके। ये इतना शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बनता है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो रहते हैं, जो कि एक पौधे के लिए ज़रूरी होता है। और इसका जो फर्टिलाइज़र हम लोग बनाएंगे वह पौधे के, समझ लीजिए, ऑल इन वन, मतलब कि ये फर्टिलाइज़र ऑल इन वन है, समझिए कि पौधे के लिए, पौधे की सारी ज़रूरतों को यह एक फर्टिलाइज़र पूरा कर सकता है। तो चलिए, इसे बनाने के लिए क्या करें कि इस तरह से गोहरा ले लें और उसे टुकड़े में कर लें, और फिर टुकड़े में करने के बाद इसे इस तरह से पानी में भिगो दें। जितनी आपकी आवश्यकता हो, जितने पौधे आप लगाए हों उतने आवश्यकता अनुसार आप उपले लें और पानी ले लें। मेरे पास तो ज़्यादा पौधे हैं, तो देखिए मैं तीन गोहरा जो है इस पानी में भिगो रही हूँ और पानी भी काफ़ी मात्रा में ले रही हूँ। तो इस तरह से भिगो दी। अब इसे क्या करें, ये हल्का होता है उपला या कंडा जो है कि वो हल्का होता है, तो ये ऊपर आ जा रहा है। तो इसे क्या करें कि किसी ठोस चीज़ से, जैसे पत्थर हो या देखिए इस तरह से ईंट हो, तो ईंट से इस तरह से दबा दें, इस तरह से इसे दबा दें, इस तरह से दबा देंगे तो ये ऊपर नहीं आएगा और इसमें पानी में इसके सारे जो है कि धीरे धीरे माइक्रोब जो हैं ये सब पानी में घुल मिल जाएंगे। और इस तरह से दबा कर रख दें गोहरे को, कम से कम 24 से 48 घंटे तक आप रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन तक भी आप इस तरह से रख सकते हैं। मतलब यदि आपको समय नहीं मिला डालने का इस फर्टिलाइज़र को, तो आप 4-5 दिन तक भी इस तरह से भिगो करके रख सकते हैं। गोहरा या उपला जो है कि वो कम से कम 2 महीने पुराना आप लें, एकदम मतलब तुरंत का बना हुआ न लें, 2-3 महीने पुराना हो जाए तब आप इस तरह से उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं। और देखिए, पानी में गोहरा डालते हुए देखिए बुलबुले निकल रहे हैं और सारे जो उसके पोषक तत्व हैं अब धीरे धीरे इस पानी में घुल जाएंगे और ये इस पानी का कलर एकदम चेंज हो जाएगा। इस तरह से इसे रख दें और रखने के बाद इसे इसी ढक्कन से इस तरह से ढक दें, इसे खुला ना छोड़ें, नहीं तो इसमें जो है कि ऊपर से जो कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे इस फर्टिलाइज़र में। ढक करके किसी छायादार स्थान पर रखें जिससे कि इस पर धूप ना पड़े। गोबर के गोहरे को भे हुए 48 घंटे पूरे हो गए हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये हमारा फर्टिलाइज़र कैसा बनकर तैयार हुआ है। देखिए, ढक्कन निकाल दी मैं और देखिए ये फर्टिलाइज़र, इसमें से ईंट निकाल दें, ईंट या पत्थर जो भी रखे हों निकाल दें। इसके बाद देखिए एकदम इसका कलर चेंज हो गया है, मतलब ये हमारा जो गोहरे से फर्टिलाइज़र में बनाई थी एकदम तैयार है। तो ये जैसे काउडंग कंपोस्ट भी गोबर से ही बनता है, और ये जो है उपला या कंडा या गोहरा जो भी कह लीजिए वो भी गोबर से ही बनता है। तो जो जितना फ़ायदा हमारे पौधों को काउडंग कंपोस्ट करेगा, उतना ही ये हमारा जो गोहरे से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये भी करेगा। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है कि सबसे अधिक होती है, और इसे हम सारे पौधों में, चाहे इंडोर हो, चाहे आउटडोर हो, चाहे फूल वाले पौधे हो, चाहे सब्जियों वाले पौधे, चाहे फल वाले पौधे, मतलब ऑल इन वन सारे पौधों में आप दे सकते हैं किसी भी स्टेज पर,
चाहे पौधा छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे फल रहा हो, चाहे फूल रहा हो, अब उस सबको दे सकते हैं। अब देखिए इसे कैसे दें। ये मैं 48 घंटे तक छोड़ी थी भिगो करके इसमें, तो मैं क्या करूँगी, एक मग ये फर्टिलाइजर ले लूँगी और इसमें दो मग, देखिए ये दो मग सादा पानी ले लूँगी। अब ये हो गया, यदि मान लीजिए 24 घंटे तक आप इस कंडे को भिगो कर रख रहे हैं तो एक मग ये फर्टिलाइजर ले लें और एक मग सादा पानी ले लें। यदि 4-5 दिन तक आप कंडे को भिगो कर छोड़ दिए हैं तो क्या करें कि एक मग ये फर्टिलाइजर ले लें कंडे से बना हुआ और 4 मग सादा पानी ले लें। जैसे ऐसे मेजरमेंट करके आप अपने पौधों में डालें। चलिए अब मैं इस फर्टिलाइजर को लेकर के अपने छत पर चल रही हूँ और सारे पौधों में डालूँगी। मैं अपने छत पर आ गई हूँ और सारे पौधों में ये जो गोहरे से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाई थी वो डाल रही हूँ। देखिए क्या करें कि जब फर्टिलाइजर लिक्विड डालें तो शाम का समय हो तभी आप डालें और अपने पाट की मिट्टी को मतलब गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद ही लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड करें। ये देखिए जो मल्टीक्रॉपिंग की थी मैं मिर्च और पालक का, तो वो है। अब इस तरह मैं सभी पौधों में इस गोहरे से बने हुए फर्टिलाइजर को डाल दूँगी और जहाँ तक कोशिश करें कि कोई भी जब लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डालें अपने पौधों में तो शाम के समय ही डालें। इस तरह से मैं पूरे गमले में डालूँगी। पूरे छत के पौधों को फर्टिलाइज़र देने के बाद अब मेरे पास बहुत थोड़ा सा ये जो है घंटे का फर्टिलाइज़र बचा है और मुझे पूरे फ्रंट गार्डन में देना है, तब मैं क्या करूँगी, फिर से इसे इसी तरह कंडे रहने दूँगी और इसी कंडे में पूरा एकदम पानी से भर दूँगी। देखिए इस तरह से पूरे पानी से भर गया, देखिए पूरा बाल्टी पानी से भर गया है और ये गाज जैसे बन गया है इसमें, तो कोई बात नहीं है। अब इसे मैं फिर से 48 घंटे के लिए इसी तरह से ढक के रख दूँगी और जब तैयार हो जाएगा तो फ्रंट गार्डन में दूँगी। और इसका जो गोहरा है वो भी मैं लास्ट में फेंकूँगी नहीं, इसका भी यूज करूँगी। कैसे यूज करूँगी, इसको मैं जब फ्रंट गार्डन में ये फर्टिलाइजर दूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। और उतना ही डालें कि पाट से बाहर न गिरे और थोड़ा कम बेसी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ये आपके पौधों को नुकसान नहीं करेगा। चाहे छोटे पौधे हों, चाहे बड़े पौधे हों, चाहे फल रहे हैं, चाहे फूल रहे हैं, आप सभी स्टेज में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी मौसम में किसी भी स्टेज पर। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।